नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा आम जनता के लिए साइबर हेल्प सेंटर खोला गया है। इस साइबर हेल्प सेंटर पर आकर अब कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका यहां के कर्मचारियों के द्वारा जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। एसएसपी अभिषेक यादव के द्वारा साइबर क्राइम की शिकायत के लिए एक मोबाइल नंबर 9454401617 भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर पीड़ित व्यक्ति उसके साथ हुए साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी साइबर हेल्प सेंटर को दे सकता है। एसएसपी अभिषेक यादव की माने तो अब साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी पीड़ित व्यक्ति को थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित व्यक्ति जारी किए गए फोन नंबर पर या सीधे यहां पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसा लगता है कि एसएसपी अभिषेक यादव की इस पहल से जनपद में काफी हद तक साइबर क्राइम पर पुलिस द्वारा काबू पाया जा सकेगा। नमस्कार, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा समस्त नागरिकों के लिए एक साइबर हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई है। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी अब किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या साइबर घटना किसी भी व्यक्ति के साथ यदि घटित होती है तो उनको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल साइबर हेल्प सेंटर, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में स्थित है, यहाँ पर आने की आवश्यकता है और यहाँ आके वो अपनी डिटेल्स और कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि उनको किसी भी प्रकार से अन्य कोई समस्या है जिसके संबंध में उनको तत्काल अवगत कराना है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके, जो इस मैसेज के साथ आपको शेयर किया जाएगा, उस पर भी तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी उस हेल्पलाइन नंबर को अपने फोन में सेव कर लें और घटना घटित होते ही तत्काल साइबर हेल्प सेंटर को अवगत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में यदि कोई भी पैसा आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हुए बाहर गया है तो साइबर हेल्प सेंटर उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद साइबर हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी कंप्लेंट जरूर नोट कराएं। याद रखें, ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी आप केवल साइबर हेल्प सेंटर पर ही जाएंगे और यदि उसके बाद आपके प्रकरण में FIR दर्ज होती है तो ये साइबर हेल्प सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो FIR की कॉपी आपको वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी भी थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है और आपके मुकदमे से संबंधित प्रगति के संबंध में भी आप साइबर हेल्प सेंटर पर जाके कभी भी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी थाने के चक्कर काटने की या थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। मुजफ्फरनगर के ककरोली निवासी जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का गोहत्यारे के घर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे गोहत्यारे के विरुद्ध क्रांति सेना के आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब गोहत्यारे के साथ साथ उसके राजनीतिक आंकड़ों को भी बेनकाब किया जाएगा। इस प्रकरण पर कार्यवाही की रणनीति के लिए आज क्रांति सेना कार्यालय पर जनपद के अनेक हिंदू संगठन सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने की और संचालक संयुक्त हिंदू मोर्चा के संयोजक पंकज भारद्वाज ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गोहत्यारे शाहनवाज संपत्ति की जांच और उसकी भाजपा सदस्यता भंग करने की मांग को लेकर 13 जून रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर धरना दिया जाएगा। आज सभी हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों की क्रांति सेना कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा है वो ककरौली क्षेत्र के अभी जो शहनवाज नाम का गोहत्यारा चुनाव जीता है और जिसको कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है, उसको लेकर ये बैठक है। चूँकि शहनवाज गौकशी का आरोपी है, उसके बावजूद वो संदिग्ध तरीके से बहुत कम समय में अपने आपराधिक गतिविधियों के सहारे वो करोड़ों रुपये की कुछ संपत्ति का मालिक भी बन गया है। क्रांति सेना पिछले 10 महीने से उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री ने जिस प्रकार भाजपा की सदस्यता दिलाई और कल जिस प्रकार उसके घर जाकर उसको संतावना दी कि तू बेफिक्र रहे और तुम्हारा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू संघों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से उसको मेंबरशिप दी गई है केंद्रीय मंत्री द्वारा, इसमें केंद्रीय मंत्री के घर पर प्रदर्शन होगा सारे हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों का, उसकी डेट फाइनल हो जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में। और जब तक उक्त शहनवाज के खिलाफ जांच नहीं होती, उसकी संपत्ति जब्त नहीं होती और उसको संरक्षण दे रहे राजनीतिक लोगों को जो चेहरे हैं बेनकाब नहीं होते, संगठन चुप नहीं बैठेंगे।
और आंदोलन देखिए वैसे तो जिला पंचायती की जो अध्यक्ष पद की सीट है मामला उसका है, लेकिन चूंकि हिंदूवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का दम भरने वाली भाजपा आज जिस प्रकार गो हत्यारों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनका समर्थन ले रही है केवल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए, तो वो हिंदुओं का विश्वास एक तरीके से खोया जा रहा है। शायद योगी जी को नहीं मालूम होगा, आज योगी जी के पोर्टल पर भी ये जानकारी दी जाएगी, लेकिन क्रांति सेना और अन्य हिंदू संगठन सभी इस प्रकरण का पटापेक्ष होने तक आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, उसके लिए चाहे आंदोलन कितना विलंब करना पड़े। वट सावित्री व्रत के अवसर पर कुछ जागरूक नागरिकों के द्वारा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का पौधारोपण किया गया। इस छोटे से आयोजन में कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही छोटे स्तर पर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वट वृक्ष की बहनों को तोड़कर पूजा करने की कुप्रथा को रोकने का संदेश देने के लिए किया गया। अभी प्रतीक के रूप में 4 पौधों को गमले में लगाया गया, 2 नीम, 1 वट, 1 पीपल। इसके पश्चात जनता के सहयोग बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम इंदिरा कॉलोनी में तालाब के किनारे इस कारण किया गया जिससे शासन व प्रशासन को महामारी फैलाने का वास्तविक स्थान दिखा सके। इस संबंध में कॉलोनी वासियों ने कई बार शासन व प्रशासन से गुहार लगाई, किंतु आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। अब घर घर जाकर इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए भीख मांगी जाएगी तथा शासन और प्रशासन की अनदेखी का प्रचार किया जाएगा। हमने आज वो पेड़ लगाए हैं जो जीवन दायिनी ऑक्सीजन का को देते हैं। वट वृक्ष लगाया हमने जिसको एक तरह से जीवन रक्षक पेड़ माना जाता है, और हमारे पुराणों में भी इसका वो है कि ये सदैव से जीवन रक्षक रहा है और जीवनदायी रहा है। अब एक समाज में एक बहुत ही मिथक फैला हुआ है और कुरीति फैली हुई है कि लोग आज के दिन जो हमारी महिलाएं हैं वो वट वृक्ष के पत्ते तोड़ती हैं और करवों पर सजाती हैं, जो एक बहुत ही गलत प्रथा है, कुप्रथा है कहना चाहिए। हम बजाय जो है ऑक्सीजन के संवर्धन के लिए और उसका विनाश करते हैं। तो मेरा संदेश आज, हमने इसी संदेश के लिए स्पेशली आज वट सावित्री व्रत के समय पे ये पेड़ लगाए कि हम ये संदेश दे सकें समाज को कि इस कुप्रथा को बंद किया जाए, और अगली उससे हम संकल्प लें कि हम वट वृक्ष के पत्ते न तोड़ें, वहाँ जा कर के उसकी पूजा करें या एक वट वृक्ष अवश्य लगाएँ। अच्छा, यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी में ये तालाब पड़ा हुआ है काफ़ी समय हो गया से, और शासन प्रशासन को आपने हमारे कॉलोनी वासियों ने कई बार प्रशासन और शासन से गुहार लगा चुके हैं। हम इवन हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी 1076 पर भी हमने कई बार अपनी प्रार्थनाएं भेजी, किंतु केवल आश्वासन के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। इस तालाब में मरे हुए जानवर, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए बिल्ली रहते हैं, और यहाँ जो हमारे बच्चे खेलते हैं हमें ये भयभीत कर जाते हैं कि इन्हें कोई महामारी ना फैल जाए और ये ऐसे रोग से ग्रस्त ना हो जाए कि इनका जीवन दुभर हो जाए, किंतु न शासन के कान पे जू रेंगती है, न प्रशासन के काम कान पे जू रेंगती है, न जनप्रतिनिधियों के कान पे जू रेंगती है। वो केवल जब हमारे यहाँ प्रदेश के महामहिम आते हैं मुख्यमंत्री जी, उन्हें लीपा पोती करके बाहर बाहर से दिखा करके बोला यहाँ साहब बहुत ठीक है, उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराते। तो किस तरह से आप यहाँ पे इसका सौंदर्यकरण कराएंगे? अब हमने ये संकल्प लिया है कि अगले अभियान से हम घर घर जाकर भीख मांगेंगे तथा ये संदेश फैलाएंगे, शासन और प्रशासन जन जो हमारी जनता है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता, न कोई जागरूक है। केवल जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल आंकड़ों के लिए दिखाए जाते हैं, ग्राउंड पे कोई भी कार्य नहीं होता। Yeah.
मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हुए मांग की है कि 15 माह के कठिन दौर से शिक्षक गुजर रहे हैं, जिस कारण पिछले 6 माह से अधिक समय में अधिकांश प्रबंधक चाहकर भी अपने शिक्षकों को वेतन देने में पूर्णतया अक्षम है और जिस कारण शिक्षकों के परिवार में भुखमरी की कगार छा चुकी है और कई शिक्षकों के द्वारा तो पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने मांग की है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। पूरे प्रदेश में समाजवादी शिक्षक सभा ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर जो उत्तर प्रदेश में हमारे शिक्षकों ने कोरोना में खासतौर पर चुनाव ड्यूटी में अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए अभी तक बहुत हमारी पार्टी के प्रयत्न के बाद ऐलान किया है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 30 लाख के मुआवजे की जो मांग थी पूरे करने के लिए, तो ये दूसरे न्यूनतम वेतन में जो मजदूरों को वेतन मिल रहा है, न्यूनतम जो एडहॉक शिक्षक हैं ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं स्थान। 5 साल से लगभग 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी विश्वविद्यालयों में इंटर कॉलेज में जो आना था चाहिए था आयोग से कोई शिक्षक नहीं है, मैनेजमेंट ने डॉग बेस पर रखे हुए हैं, उनका जो वेतन है वो न्यूनतम वेतन जो मजदूरों का उससे भी कम है। इससे ज़्यादा अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि जो देश के शिक्षक हैं, जो देश के इंजीनियर डॉक्टर नेता प्रोफेसर साइंटिस्ट सबको बनाते हैं, उनका मजदूर से भी ज़्यादा अपमान किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का शिक्षकों में गुरुओं को बढ़ाने में उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सामाजिक स्थिति के लिए जो पहली सरकारों की आदरणीय मुलायम सिंह जी ने शिक्षकों को सबसे ज़्यादा बहुना जी के बाद शिक्षकों को सुधारने का काम किया, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शिक्षकों की दुर्दशा है उनको वेतनमान न्यूनतम मजदूर से ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो शिक्षकों ने कोरोना में अपनी जान खोई है उनके परिवार को नौकरी और उनको 30 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों पर आज समाजवादी शिक्षक सभा हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं मासूम अली जी कुटेसरा इंटर कॉलेज में, समाजवादी शिक्षक सभा के हमारे क्रांतिकारी कारिणी के प्रोफेसर हैं कुलदीप सिंह जी कॉलेज में, और इनके पदाधिकारी लोग हमारे आए हैं शिक्षक सभा के, सभी लोग ज्ञापन दे रहे हैं और आप लोगों के भी माध्यम से प्रेस के हमारा यही है कि प्रदेश सरकार जागे और शिक्षकों को सम्मान करे और उनके मृत्यु आश्रित लोगों को नौकरी और दूसरी आर्थिक सहायता देने का काम करें। मुजफ्फरनगर में जैन समाज के अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अरूप मंडल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे जैन समाज के कई संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन एसएसपी अभिषेक यादव को सौंपते हुए कहा गया कि अनूप नामक संगठन जैन समाज के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जिस कारण जैन समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है और अरूप मंडल जैन धर्म व जनजाति के विरुद्ध अमन न्यूज चैनल के माध्यम से सिरोही जिले के आसान गांव रोडिया व माउंट आबू में जैन समाज के विरुद्ध भड़काऊ भाषण चलाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह मांग करते हैं कि जल्द ही अनूप मंडल के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि जैन समाज की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं आगे से कोई भी इस तरह का कार्य ना कर सके। देखिए, हम आज एक जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कि हमारे जनपद के तमाम सम्मानित लोग, जिसमें हमारे माइनॉरिटी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वर्तमान जैन जी एसएस जैन समाज से कीमती लाल जैन साहब और श्री राजकुमार जैन जी महिला कमेटी से मनोज जैन जी और तमाम जैन समाज के सम्मानित लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, जिसमें हमने एक FIR दर्ज कराने की मांग की है। एक संगठन है अनूप मंडल, एक ऐसा संगठन जो लगातार देश के अंदर आतंक का माहौल व्याप्त किए हुए और खासतौर से जैन समाज के लोगों के खिलाफ उसकी गतिविधियां इस तरह की हैं कि आज जैन समाज उनसे अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है। जैन समाज के लोगों पर यहाँ कहाँ सुनने में आया कि उसने किसी प्रकार के हमले कर उनको नुकसान पहुँचाने का भी प्रयास किया है, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज पूरे देश में जैन समाज इस अनूप मंडल के खिलाफ संगठित है और इस अनूप मंडल के खिलाफ कार्रवाई कराकर इसको दमन कराकर जैन समाज चैन से बैठने का काम करेगा। और ये एक ऐसा संगठन है जिस पर समय समय पर जब भी इसने सिर उठाया सरकारों ने इसको बैन करके इसको इस पर लगाम लगाने का काम किया है, फिर भी इनके लोग लगातार जैन समाज के प्रति नफरत की भावना के चलते ये लोग लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। आज जैन समाज उठकर खड़ा हुआ है और इस अनूप मंडल को पूरे देश के अंदर से खदेड़ने का काम करेगा।
मुजफ्फरनगर के रोहाना के गांव बहेड़ी में किसान सहकारी समिति पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए टोल को शुरू कराने की मांग की। आपको बता दें कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में किसान सहकारी समिति बहेड़ी पर पहुंचा, जहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि कल किसानों को कहा गया कि टोल नहीं हो रहा है, जबकि व्यापारियों की ट्रॉली यहां पर तोड़ी जा रही है। इसी बात को लेकर सहकारी समिति में गर्मा गर्माई हो गई और भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के कुछ किसानों ने यहां पर जोरदार बहसबाजी हुई। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।